हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। आगे आपके भाई एक नए सेशन के साथ एक नई शुरुआत करते हैं अच्छी सी, और एक नए टॉपिक के साथ बेहतरीन जोश के साथ जुनून के साथ तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी जॉब और नौकरी के मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। जो इतिहास की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी उसको तो एक कंटिन्यूटी हम बनाकर ही चलेंगे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपके लिए एक नया टॉपिक दे दूं जो आपके कहीं भी एग्जाम में एक दो नंबर आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर सकता है। तो कोई भी हम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे आपका सिलेक्शन रुके। चलो स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से समझिए, और ये मैंने एक कुछ नोट डाउन किया है जो आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिए क्या है ये क्या नहीं। देखिए, आज पढ़ते हैं सिख संप्रदाय के बारे में, सिख समाज के बारे में। सब लोग जानते आप हो गए गुरु नानक के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु अंगद सिंह के बारे में, रामदास, अमरदास, हरिराय, हरकिशन, इन सब तमाम महान गुरुओं के बारे में आप जानते होंगे। इन्हीं का टॉपिक लेते हैं, एक रैंडमली टॉपिक उठा लिया सिख संप्रदाय। तो देखो मैं जरा आपको बताता हूँ, सिख संप्रदाय में कुल मिलाकर कितने गुरु हुए थे? ओवरऑल 10 गुरु हुए थे। गुरु ये हुए थे, 10 गुरु हुए थे, जिनमें पहले आज हम 5 गुरुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शेष 5 के बारे में अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगा। अभी हम 5 गुरुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम गुरु नानक देव के बारे में, पहले सिख के गुरु नानक देव, दूसरे सिख गुरु कौन से? गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, और 5वें गुरु अर्जुन देव। हम इन चारों 5 गुरुओं के बारे में बारी बारी से हर वो छोटी बड़ी घटनाओं को जानेंगे जो हमको जानने बेहद ज़रूरी और बेहद लाजमी है। आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए मेरी टोन से टोन को मिलाते चलिए क्या होता है क्या नहीं, समझते हैं सर। देखिए, गुरु नानक देव के बारे में पहले जानेंगे। गुरु सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के जो फाउंडर या संस्थापक कहे जाते हैं वो किसे कहते हैं? गुरु नानक देव को कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना। गुरु नानक देव के बारे में याद रखना, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था सर 15 अप्रैल 1469 के लिए। 15 अप्रैल 1469 के लिए गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। स्थान था तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी के, पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। स्थान था तलवंडी, पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इनकी माता का नाम था तृप्ता और पिता का नाम था कालूदास मेहता। माता का नाम था तृप्ता, पिता का नाम था कालूदास मेहता, जबकि पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। इनके द्वारा बहुत सारे काम और कार्य करे गए। इन्हीं के द्वारा संगत और पंगत की स्थापना भी करी गई थी। अब क्या होता है संगत और क्या होता है पंगत के बारे में समझाते हैं। आप समझिए, संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है लंगर, जो मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर बैठ के जो भोजन फ्री में कॉस्ट मिलता है ना खाने के लिए, उसी को लंगर कहते हैं। पूछता है लंगर और पंगत की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु नानक देव जी ने ही की थी। संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है लंगर। अब आप एक बताइए, एक चीज़ बताइए, जब किसी भी व्यक्ति को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो कोई व्यक्ति एक धर्म बना कर चला जाएगा? कतई नहीं बना सकता। व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति एक धर्म नहीं स्थापित कर सकता। वो किसी दूसरों को ज्ञान दे सकता है, दूसरा किसी तीसरे को ज्ञान देगा, लेकिन आप समझिए जब गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान के बाद जगह जगह वो उपदेश देना स्टार्ट किए थे, यहाँ उपदेश दे रहे थे, वहाँ उपदेश दे रहे थे, जगह जगह उपदेश देना स्टार्ट किया, तो उनके धर्म यात्रा के दौरान जो तय की गई थी डिस्टेंस यानी जो दूरी, या कह सकते हो क्या, जो गुरु नानक देव की धर्म यात्रा ही क्या कहलाई थी, गुरु नानक देव की जो धर्म यात्रा कहलाती है, जगह जगह उपदेश देने वाली जो धर्म यात्रा थी उसको कहते हैं उदासी। गुरु नानक देव की जो धर्म यात्रा थी वो किस नाम से कहलाई थी? उदासी कहलाई थी। एक बात और ध्यान देना, अच्छे से समझना, गुरु नानक देव अवतारवाद को बिल्कुल नहीं मानते थे। ये नहीं मानते थे कि अवतार होता है कि नहीं होता है, अवतारवाद को बिल्कुल नहीं मानते थे। ये पुनर्जीवन और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। इनका मानना था पुनर्जीवन और कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे। लेकिन क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है डेरापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है डेरापुर में, लेकिन वर्तमान में ये करतारपुर के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको गुरु नानक देव से याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी फैक्ट आपका नहीं फंसेगा। एक बार फिर से रिविज़न करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान
शान में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में से हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूदास मेहता था, जबकि पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। इन्होंने संगत और पंगत की स्थापना करी, जबकि संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है लंगर। इनके द्वारा तय की गई जो धर्म यात्रा थी उसको उदासी कहा गया। ये अवतारवाद को नहीं मानते थे, ये पुनर्जीवन और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। इनकी मृत्यु डेरापुर में 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हो गई थी। इस डेरापुर को वर्तमान में करतारपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी गुरु नानक देव के बारे में। अब देखिए बात करते हैं हम किनके बारे में, गुरु अंगद देव के बारे में, जिनका कालकाल 1539 से लेकर 1552 तक रहा था। गुरु अंगद देव सिखों के कौन से गुरु हैं, तो ये दूसरे गुरु हैं। सिखों के दूसरे गुरु पूछेगा, पहला इफेक्ट तो गुरु अंगद देव हो जाएगा। गुरु अंगद देव से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप देखिएगा, गुरु ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो नानक देव थे इनकी हूबहू आत्मा गुरु अंगद देव में ट्रांसफ़र हो गई थी। कहते हैं जो काम गुरु नानक देव करते थे वही काम वैसा गुरु अंगद देव करते थे, इसीलिए इन्हें गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहा जाता है। गुरु अंगद देव को गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहते हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव की आत्मा गुरु अंगद देव में ट्रांसफ़र हो गई थी, इसीलिए गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहा जाता है। जबकि गुरु अंगद का वास्तविक नाम बाबा लेहना है। इनका वास्तविक नाम क्या है, बाबा लेहना के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा ही क्या करा गया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। आपसे पूछेगा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने करा, तो आप बताओगे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और एक चीज़ बता दूं आपके लिए, इन्होंने जो अपनी गद्दी को स्थापित कराया था, जो गुरु गद्दी स्थापित कराई गई थी, आप अच्छे से देख रहे हैं इसको समझना, गुरु गद्दी को स्थापित कराया था इन्होंने। गुरु गद्दी बनाई थी अपनी कहाँ पर, पूछता है खादुर में। यानी गुरु अंगद देव ने अपनी गुरु गद्दी को स्थापित जो कराया था वो कहाँ कराया था, खादुर में इसको कराया था। लेकिन एक फैक्ट और पूछा जाएगा, बताइए गुरु अंगद देव की मुलाकात किस राजा या किस बादशाह या किस सुल्तान से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ हुई थी, हुमायूं से मुलाकात होती है किनकी, गुरु अंगद देव की। ये बेसिक फैक्ट थे, एक बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। एक दोबारा से रिवीजन करूं मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं गुरु अंगद देव के बारे में। सिखों के दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव को ही क्या कहते हैं, आत्मा गुरु नानक देव की आत्मा ट्रांसफ़र हो गई थी, इसलिए कहा जाता है गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम बाबा लेहना था, जबकि इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और इन्होंने अपनी गुरु गद्दी कहाँ पर स्थापित की थी, पूछा था, जवाब देना खादुर में की थी। जबकि इन्हें गुरु अंगद की मुलाकात किस सुल्तान या किस शासक के साथ हुई, तो बादशाह हुमायूं के साथ। ये हुमायूं वही है, ये सर्वाधिक अय्यास और मिजाज और अफीम का दिन भर ज्योतिष का इतना बड़ा भक्त था कि सातों रंग अलग अलग करके कपड़े पहनता था, ये वही हुमायूं था। पूछा जाता है ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सातों दिन अलग अलग वस्त्र की पोशाक पहनता अलग अलग कलर की, तो ये हुमायूं ही सातों रंग अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। आइए बात करते हैं तीसरे गुरु में गुरु अमरदास जी के बारे में हम बात करते हैं। तो आपने क्या देखा, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ा, गुरु अंगद देव के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बातें हैं, आपका एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए। अभी हाल ही में एग्ज़ाम NTPC रेलवे ग्रुप डी, ना जाने कितने एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसीलिए कम समय में ज़्यादा मटेरियल है ये, ठीक है ना। कभी टाइम मिलता है तो ऑफलाइन बैचेज में आपके साथ अच्छे से इनके साथ आएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब तक समझिएगा। देखिएगा, तीसरे गुरु थे सिखों के गुरु अमरदास, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है पूरे अच्छे से समझिए, जुनून के साथ पढ़िए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। देखिए इनके बारे में करें, सिखों के तीसरे गुरु का नाम था गुरु अमरदास। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना करी। पूछता है 22 गद्दियों की स्थापना, आप गद्दी जानते होगे ना, सिंहासन के आसपास जो गद्दी हो इस पर राजा विराजमान थे, साइड में जो गद्दियाँ हुआ करती थी वो थी। पूछता है 22 गद्दियों की स्थापना किसने करी, तो गुरु अमरदास ने करी थी। इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित करी, जब पता था गुरु अंगद देव ने तो अपनी जो गद्दी थी वो खादुर में स्थापित करी थी, जबकि गुरु अमरदास ने अपनी जो गद्दी थी वो कहाँ पर की, गोविंदपालपुर में स्थापित, गोविंदवाल में। गुरु अमरदास ने अपनी जो गद्दी स्थापित की थी वो गोविंदवाल में स्थापित की थी, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी पुत्री, इनकी एक बेटी हुआ करती थी गुरु अमरदास की, जिसकी शादी आगे चलकर सिखों के पांचवें गुरु के साथ करा दी जाएगी या हो जाएगी।
जिनकी पुत्री का नाम था क्या था, बीवी भानी। और अकबर एक वो राजा था, अकबर स्वयं इस बीवी भानी से मिलने के लिए कहाँ गया था, तो गोविंद बाल गया था, है ना, यहीं पर जाता है। और याद रखना यहाँ पर जो होगा, इस बीवी भानी को अकबर यहाँ जाता है तो कुछ गांव और कुछ ज़मीन ही दान में दे दिए गए थे, कुछ दी थी, लेकिन इस बीवी भानी को अकबर ने कुछ गांव और कुछ ज़मीन दान में दी थी। एक बात महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात, फैक्ट बन सकता है, इन्हीं से क्या बनेगा अच्छे से समझना। इन गुरु अमरदास जी ने क्या करता, विवाह जो शादी होती ना, शादी यानी शादी या विवाह की पद्धति को ही चेंज कर दिया था। इन्होंने क्या कहते, लावन पद्धति को लेकर आए थे। ये लावन पद्धति का मतलब, ये लावन पद्धति थी, इसको वर्तमान में आनंद कारज पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, शादी में तीन फेरे लिए जाते हैं, विवाह में तीन फेरे लिए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आनंद कारज वर्तमान में कहा जाता है, पहले लावन पद्धति कहा जाता था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो गुरु अमरदास के आपको याद रखनी थी। आइए चलते हैं और गुरु रामदास यानी कि चौथे गुरु के बारे में बात करते हैं। सिखों के चौथे गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास हुआ करते थे। इनके बारे में अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स को बनाइए, उम्मीद करिए आपको सब आता होगा। देखिए गुरु रामदास के बारे में क्या करते हैं, सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन में दान दी थी। अकबर ने गुरु रामदास को क्या करते हैं, 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। और इसी 500 बीघा ज़मीन में क्या हुआ था, गुरु अमरदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करी। अमृतसर बसाया था किसने, गुरु अमरदास ने। और इन्होंने ही क्या किया था, गुरु पद को पैतृक बना दिया। इन्होंने गुरु पद को क्या करा, पैतृक बना दिया, यानी कि वंशानुगत बना दिया। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ कर दिया था। वंशानुगत का मतलब होता है पैतृक बना दिया था। तो आपसे ये बेसिक दो तीन फैक्ट पूछेगा बस चौथे गुरु से, इससे है ना। तो क्या कर, अकबर ने 500 बीघा ज़मीन इनको दान में दे दी थी, जिसमें क्या करा, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना कराई थी गुरु रामदास जी ने। और रामदास जी ने क्या करा, गुरु पद को हमेशा पैतृक बना दिया। तो ये दो तीन फैक्ट ही इनसे बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, तो मैंने आपको बताए। आइए गुरु पाँचवें के बारे में बात करते हैं, पाँचवें गुरु कौन थे। सिखों के पाँचवें गुरु के बारे में बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या था, कैसे था। ये तीन चार गुरुओं के बारे में हमने बात किया, पांचवें गुरु के बारे में बात करते हैं। देखिए सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे। देखिए सर, इन्होंने क्या करा था, गुरु पद ये जो थे ना, गुरु रामदास के तीसरे पुत्र हुआ करते थे। गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। गुरु रामदास के कौन से पुत्र थे, किस नंबर के थे, तीसरे पुत्र हुआ करते थे गुरु अर्जुन देव। इसने याद रखना, जो हरमिंदर साहिब यानी कि जो अमृतसर में जो जलाशय या सरोवर बसाया था ना गुरु रामदास के द्वारा, तो उसी जलाशय या उसी स्विमिंग पूल कह लीजिए, उसी जो था सरोवर में क्या बसाया, एक मंदिर बसाया जिसका नाम था हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब एक मंदिर बसाया, हरमिंदर नाम था उसका। इस हरमिंदर साहिब मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं, गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूछेगा हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम क्या था, तो हरमिंदर साहिब था। किसने बसाया, तो अमृतसर में है ये सर, किसने बताया, अर्जुन देव ने बसाया था। अच्छा आप ये बताइए, जब ये स्वर्ण मंदिर बना था तो इसका शिलान्यास करने के लिए यानी उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया गया, इसका जब शिलान्यास करने के लिए उद्घाटन करने के लिए किसको बनाया, तो एक इनका नाम थे, बताइए कौन थे, कादरी संप्रदाय के गुरु जिनका नाम था संत मियां मीर। कादरी संप्रदाय के गुरु संत मियां मीर को इस स्वर्ण मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए बुलाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए इन्होंने क्या करा, गुरु अर्जुन देव ने क्या कहा था, आध्यात्मिक कर शुरू कर दिया। आध्यात्मिक कर एक धार्मिक कर हुआ करता था, जो अपनी आय का 1/10 भाग दान में दिया जाता था। इस स्वर्ण मंदिर या हमने से जहाँ भी आप जाइए, आप भी देखिए, आज वर्तमान में अगर आप यहाँ घूमने जाओगे तो यहाँ पर शुद्ध देसी घी के चीज़ में आपको भोजन तल के मिलता है, यहाँ पर वो अच्छी सुविधा होती है। तो 1/10 ये धार्मिक कर था, अध्यात्मिक पूछा जाता है, अध्यात्मिक कर किसने शुरू कर दिया, तो आप बताना गुरु अर्जुन देव ने, कितना था, 1/10 भाग हुआ करता था। और यही सिखों के पांचवें गुरु थे जिन्होंने किसने फांसी दे दी, किसने, देखिए इनके द्वारा थे,
ये तीन चार थे, हुमायूं, शाहजहां वगैरह, ये आपका काम है, आप मुझे ये बताओगे किस सुल्तान ने इनको फांसी दे दी थी और क्यों दे दी थी, ठीक है ना? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अर्जुन देव को फांसी किस सुल्तान ने दी थी, ठीक है ना? अब इनके द्वारा कुछ ये जगह थी जो इनके द्वारा गांव बसाए गए थे, जो आपको पता होना चाहिए, तरन तारनपुर है, यानी तरन तारन गांव बसाया था गुरु अर्जुन देव ने, करतारपुर की स्थापना करी थी गुरु अर्जुन देव ने, और गोविंदपुर गांव, इन तीनों गांव की स्थापना करते हैं गुरु अर्जुन देव। तो ये था आज पांच गुरुओं का सिलेबस, पांच गुरुओं से जितने भी एग्ज़ाम में, छोटे से बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आने थे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ लाया हूँ इनके लिए। एक अच्छे से पढ़िए और एक बार दोबारा जल्दी से रिवीजन मेरे साथ कीजिए। देखिए, हमने पढ़ा पांच गुरुओं के बारे में, पहले गुरु नानक देव थे, दूसरे गुरु अंगद देव थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे और पांचवें गुरु अर्जुन देव। ये समय आपको पता है, पहले गुरु अर्जुन देव के बारे में फटाफट रिवीजन करते हैं और बताइए, मेरे साथ करते जाइए, अच्छे से कॉपी पेन लेके अपने नोट्स में इंक्लूड करिए इनके लिए। गुरु नानक देव, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 के लिए, स्थान था तलवंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूदास मेहता था, जबकि पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। इन्होंने संगत की स्थापना और पंगत की स्थापना करी। संगत का मतलब होता है धर्मशाला, पंगत का मतलब होता है लंगर, ठीक है। इनके द्वारा धर्म यात्रा जो कहलाई वो उदासी कहलाई। ये अवतारवाद को नहीं मानते थे, ये पुनर्जीवन और कर्मवाद को मानते थे। इनकी मृत्यु डेरापुर में हो गई, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, करतारपुर के नाम से जाना जाता है। 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे गुरु अर्जुन अंगद देव के बारे में बात करते हैं। इनको गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम बाबा लेहना है। इन गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने ही किया था। गुरु गद्दी इन्होंने अपनी स्थापना खादुर में कराई थी। गुरु अंगद की मुलाकात किस हुमायूं से हुई थी, तो इससे हुई थी हुमायूं से। तीसरे गुरु की बात करते हैं, गुरु अमरदास के बारे में। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना करी थी। इन्होंने अपनी गद्दी जो थी वो गोविंदवाल में बसाई थी। इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी, जिससे अकबर यहाँ पर गोविंदवाल में खुद मिलने गया था, और कुछ गांव और कुछ जमीन भी दान में दी थी। इनका एक विवाह की पद्धति को ही चेंज कर दिया। ये विवाह की पद्धति जो लाभन पद्धति लेकर आते हैं, जिसे वर्तमान में आनंद कारज कहा जाता है। इस आनंद कारज में शादी में 3 फेरे लिए जाते हैं केवल। रामदास सिखों के चौथे गुरु बताया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जिसमें इन्हें अमृतसर को बसाया था, और इसने गुरु गद्दी को पैतृक या फिर वंशानुगत बना दिया। पांचवें गुरु अर्जुन देव के बारे में, गुरु रामदास के ये तीसरे पुत्र थे। हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की उन्होंने स्थापना करी थी। शिलान्यास यानी कि उद्घाटन करने के लिए इन्हें संत मियां मीर को बुलाया था, जो कादरी संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे। इन्होंने ही धार्मिक कर लगा दिया, जिसको आध्यात्मिक कर शुरू कर दिया था, जो अपनी आय का 1/10 भाग हुआ करता था। और इन्होंने कुछ गाँव भी बसाए थे, जिनमें एक नाम था तरन तारनपुर, करतारपुर और गोविंदपुर। ये सब किसने बसाया, इन्होंने। अब आपको ये काम है, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी, किसने पनिशमेंट दी थी, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपका अगली वीडियो में उसका नाम लूँगा जो मुझे पहले बताएगा, ठीक है सर? और इसको अच्छे से पढ़ना, इंजॉय करना, और दिल लगा के पढ़ना, मेहनत से पढ़ना। और अगले जो पांच गुरु बनते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके साथ आता हूँ, उन शेष पांचों के साथ भी पूरा वो डाटा लेके आऊँगा, जो फैक्चुअल डाटा होगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेटेड होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स तैयार करिए, मेहनत और जुनून के साथ लगन लगिए, ठीक है ना? इतिहास की सीरीज़ कंटिन्यू होगी, और अदर सब्जेक्ट के साथ भी जल्दी मुलाकात करूँगा। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।